पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कुलकरी पुलिस थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। अमेठी में सपा नेता के प्रचार गाड़ी में सीएम योगी का गाना बजने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल सपा नेता अशोक सिंह का कहना है कि दबंगों ने जबरन ये गाना बजवाया था। कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं इमरान मसूद, सूत्रों के हवाले से जानकारी। 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बुलाई बैठक। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में हरीश रावत ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे और रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। उधर इस मामले पर भाजपा हरीश रावत पर हमलावर हो गई है। इस पर जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और प्रधानमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं जिसमें केंद्र सरकार की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। यदि वो बदलाव हुआ सड़क मार्ग से हुआ तो उसको जो है SPG से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। मैं आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से, मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूँ कि आखिर इनको हो क्या गया है, कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। हम अभी भूले नहीं हैं कि हमारे देश के अंदर हमने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति कोई पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता देशभक्त जनता है, ये कभी भी ऐसे बयानों को भूल नहीं सकती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को एक जनसभा में कथित किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर आकर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि ये किसान नेता कौन है अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। गुना में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर साधा निशाना, कहा इस सरकार का हर वादा झूठा निकला, जनता सपा के साथ खड़ी होगी, सरकार ने लोगों को नौकरी भी नहीं दी। गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मेरी किसान भाइयों और पंजाब के लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री मोदी को रैली स्थल तक जाने देते। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते हैं। अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, कोरोना काल में कितने लोगों की जान गई, सरकार तो ये तक नहीं बता पा रही है, क्या भाजपा बता सकती है। कोरोना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जन माफी रैली निकालनी चाहिए। की वजह से कोविड के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। अगर उन्हें समय पर दवा मिल जाती, समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, समय पर अस्पताल मिल जाता तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती।